आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज आपके प्रमोशन को लेकर कोई न्यूज़ नहीं देंगे कि आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, इस यूनिवर्सिटी की ओर से क्या खबरें आ रही हैं, किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, उसके क्या आधार बनाए जाएंगे, क्या फार्मूले, इन सभी को लेकर कोई भी बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज आपके प्रमोशन पर फैसला आएगा। यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के छात्र छात्राओं को बस एक ही बात का इंतजार है कि आखिर आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ उम्मीद है, अनुमान है, इन सभी से हटकर आखिर फैसला क्या है, वो क्या आ रहा है, ये बात का इंतजार सभी छात्र छात्राओं को है। और आज वो बात पूरी तरह से क्लियर होने जा रही है, पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप ना करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों से जुड़ी जो भी जानकारियाँ आती हैं वो आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो कि न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं जो जानकारी आई हुई है, जहाँ पे 10वीं की परीक्षा नहीं कराई जाएंगी, इंटर में जुलाई की परीक्षा होगी, वो भी 1.5 घंटे का जो पेपर है वो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, इनकी ओर से ट्वीट करके जो पूरी जानकारी थी वो आई थी, लगभग 6 बजे के करीब जो ट्वीट करके इनकी ओर से जानकारी जो थी वो दी गई थी। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि इससे आपका क्या मतलब है, इससे आपका भी मतलब है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइड में देखें, जहाँ पे डिग्री कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रमोट पर आज निर्णय होगा, यानी कि कल जो कि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया गया था, और आज डिग्री कॉलेजों यानी कि विश्वविद्यालय के प्रमोशन पे आज फैसला लिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ी बातें देखें जो कि बताई गई हैं कि प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में स्नातक और प्रस्नातक एवं सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोशन और परीक्षा को लेकर रविवार को निर्णय किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए गठित 3 कुलपतियों को रिपोर्ट पर मंथन कर शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उनके निर्देश के अनुसार निर्णय किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए जो पूरी बातें आप लोगों के लिए आई हुई है, जहाँ पे कोई विश्वविद्यालय की ओर से प्रमोशन को लेकर कोई फैसला नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, यहाँ पे अब बातें पूरी तरह से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी, जो कि आप लोगों को बस इसी बात का इंतजार था कि आखिर शासन की ओर से क्या फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि शासन की ओर से ही कोई विश्वविद्यालय को निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिसकी ओर से कोई भी ऑफिशियली नोटिस कोई भी विश्वविद्यालय जारी नहीं कर पा रहा। और जाहिर सी बात है कि वो किस तरह से, किस आधार पर ऑफिशियली नोटिस जारी करें आप लोगों के लिए। और आप लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो प्रमोट होगा, उसमें कोई भी सवाल ही नहीं है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। बात है यहाँ पे सेकेंड ईयर की, क्योंकि सेकेंड ईयर को पिछले साल भी प्रमोट किया गया था, और सेकेंड ईयर को लेके जो बातें हैं वो फंस रही हैं। बाकी यहाँ पे आप लोगों के प्रमोशन को लेके जब आज फैसले आ जाएंगे, जिससे कि आज पूरी तरह से बातें क्लियर हो जाएंगी, लाखों स्टूडेंट की जो कि फैसले का इंतजार है कि आखिर क्या फैसला लिया जा रहा है, जिससे कि उनके मन में 1000 जो सवाल हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और आज फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करेंगे, और जो कुलपतियों की ओर से जो शासन को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसी के अनुसार जो चर्चा है वो की जाएंगी। तो बातें देखिए कब तक क्लियर होती हैं, कब तक ट्वीट करके जो पूरी जानकारी है वो आप लोगों के लिए आएंगी। तो इन सभी को लेकर जो भी जानकारी आएगी वो हम आप लोगों को देती रहेंगे, इससे आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, और जो जानकारी आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते रहेंगे।